क्रेडाई बीएनएम एक्सपो 2023 1 डिसेंबर ते 4 डिसेंबर 2023 नवी मुंबई वाशी सिडको एक्झिबिशन सेंटर आपले घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक भेट द्या. एप्रिल 2023 मध्ये घेण्यात आलेल्या 21व्या यशस्वी मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 नंतर ग्राहकांच्या मागणीनुसार पुन्हा एकदा एकाच वर्षात दुसऱ्यांदा 22व्या मेगा प्रॉपर्टीचं भव्य प्रदर्शन. 20 लाखांपासून 20 करोडोपर्यंतच्या सर्व प्रॉपर्टी एकाच छताखाली खरेदी करण्याची सुवर्ण संधी. मग वाट कसली पाहता? क्रेडाई बीएनएम 22व्या मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 ला नक्की भेट द्या आणि आपल्या स्वप्नातील घर खरेदी करा. मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023. नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. हा जल्लोष आहे क्रेडाई बीएनएमच्या 22व्या मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 मधील ईव्ही होम्सच्या स्टॉलवरील. एक्झिबिशनच्या चौथ्या दिवशीही ईव्ही होम्सच्या स्टॉलवरती फ्लॅट खरेदी करण्याकरिता ग्राहकांची जोरदार बुकिंग सुरू आहे. प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 मध्ये अपेक्षापेक्षाही जास्त प्रतिसाद ईव्ही होम्सला ग्राहकांचा लाभला असल्याचं ईव्ही होम्सचे सीईओ विकी थॉमस यांनी सांगत याचा जल्लोष ईव्ही होम्स करत असल्याचं म्हणतानाच, आकर्षक बांधकाम आणि वेळेवरती पजेशन यामुळे ईव्ही होम्सला ग्राहकांची चांगलीच पसंती मिळाली असल्याचं म्हटलं आहे. और जो स्टाफ का जो मोटिवेशन जो है वो बहुत अच्छा लगा. मोस्टली एग्जीबिशन में मैंने बहुत बार देखा है कि जो जिसे एग्जीबिट करते उनका जो स्टॉल डिज़ाइनिंग बूथ डिज़ाइनिंग है एज वेल एज आपका जो मतलब गेटअप है या आपने जो प्रेजेंटेशन किया है वो बहुत अच्छा लगा. मुझे पनवेल में ही देखना था फ्लैट. इसमें एमिनिटीज़ और आपका जो नियर बाय लोकेशन जैसे कि एयरपोर्ट आ रहा है वहाँ पर वो सबसे बेस्ट है. तो फ्यूचर में वो मतलब मुझे बहुत अच्छा रहेगा कि एटलीस्ट अगर कुछ अगर अलग जगह पर ट्रैवल करना है या सीलिंग से कन्वर्ट करना है या मुंबई में लिंक करना है तो मुझे इजी करेगा. तो कन्वेंस की वजह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ. तो ये मेरे लिए बेटर रहेगा कि अगर टेरिटरी और लोकेशन मैच हुआ तो और बाकी की चीज़ तो एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग. बाकी 24 आवर्स वाटर सप्लाई जो सर ने मुझे बताया है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं आएगा. चिल्ड्रन पास के लिए जो एमिनिटीज आप नहीं दिए फैसिलिटी दी है वो उसके लिए बहुत अच्छा वो लग रहा है मुझे. ये आज चौथा दिन है और मैं हंसते हंसते रुक नहीं पा रहा हूँ. मैं जो खुश हूँ, इतना सारा बुकिंग हुआ है यहाँ पे. वी हैव क्रॉस्ड आवर एक्सपेक्टेशंस. हम लोगों ने जो सोचा था उससे कम से कम 4 टाइम्स ज़्यादा हमको यहाँ पे डिलीवरी हुआ है यहाँ पे. एंड लोग भी इतने खुश हैं. यहाँ पे मेला लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं. इट्स लाइक इंस्टेंट डिसीजन. आज कुछ लोग बॉम्बे से आए थे, बॉम्बे से आके उन्होंने नवी मुंबई के परिपरी में पनवेल में बुकिंग किया. पनवेल में परिपरी में रहने वाले लोगों ने वाशी में बुकिंग किया. तो इट इज़ अमेजिंग रिस्पॉन्स. बीएनएम क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सीबिशन 22-23 वाला इज़ अ सुपर सक्सेस एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द मैनेजिंग कमिटी फॉर सच अ ब्यूटीफुल इवेंट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड माई टीम, माई मार्केटिंग टीम हैज डन ट्रेमेंडसली वेल. उन्होंने बहुत मेहनत किया एंड हमारे मीडिया के दोस्त जिन्होंने इतना मेहनत करके हमारे हर न्यूज़ को सब जगह पहुँचाया, उसके लिए आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल टू यू. एक खास वजह यह है कि हम हमारा काम बहुत दिल से करते हैं. हम लोग ट्रांसपेरेंट हैं एंड हम लोग लॉयल्टी से काम करते हैं. हम लोग जो कमिटमेंट देते हैं वो पूरा करते हैं. दैट्स इट. हम लोग मार्केट में इसी के लिए जाने जाते हैं कि ईवीओस में पैसा दिया ना, टेंशन नहीं. तो यही एक चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं. और लोग भी उनका सबसे बड़ा फियर भी वही होता है कि मैं 1 रुपये अगर कुछ लगा रहा हूँ तो वो 1 रुपया सेफ है क्या. सो दैट सेफ्टी वी आर अश्योरिंग, वी आर गारंटी फॉर. सो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं एंड प्लस हमारी क्वालिटी. हम लोग सब एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स है जो हम लोग ये कर रहे हैं काम. मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, हमारा पूरा टीम ऑफ इंजीनियरिंग स्टाफ है. हम लोग प्रोडक्ट के आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक पूरा दिल और जान लगा देते हैं प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए. तो ये भी एक दूसरी खासियत है हम लोग की. ये एग्जीबिशन अभी एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है. यहाँ पे आज जिस तरीके से एग्जीबिशन कंडक्ट हुआ है मुझे लग रहा है ये बहुत ही एडवांस हो चुका है. अगर आप, मैं फर्स्ट एग्जीबिशन में मैं आया था और अभी ये 22nd एग्जीबिशन है, मतलब 22 साल
मैं 16 साल का था शायद से, मैं जब फर्स्ट एग्जीबिशन में आया था, जो मैं खुद एक स्टॉल लिया था हम लोग ने 3x3 का, और वहाँ से आज हम ये स्टेज पे आए। हम लोग डी रो में थे, आज हम लोग ए रो में हैं, टाइटल स्पॉन्सर हैं। तो ये जो जर्नी में हम लोग ने सब कुछ देख लिया है, तो ये जर्नी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये नवी मुंबई बॉम्बे को बीट करने वाला है और अलग ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। यहाँ की प्राइस मुंबई से ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि मुंबई अभी ख़त्म हो चुका है। मुंबई का जो रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इसके लिए, उसके पॉपुलेशन के लिए बना ही नहीं है। अभी रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका सीवेज, ड्रेनेज, पोल्यूशन, इसका कंट्रोल, रोड का वेट कुछ उनके पास है नहीं। जबकि नवी मुंबई में, जब नवी मुंबई बना रहे थे तो 12वें कमेटी ने ये बनाया ही डीपॉपुलेशन करने के लिए, डीकंजेस्ट करने के लिए, बॉम्बे की पॉपुलेशन को नवी मुंबई लाने के लिए। और उसके साथ में उन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि अगले 100 साल तक यहाँ पे पॉपुलेशन का एब्जॉर्प्शन होए। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है हमारे नई मुंबई के लिए, कि अगले 50 साल के लिए प्लान करके रख चुके हैं। अभी सिर्फ 40 साल हुए, 42 ईयर्स हुए ऐसे नई मुंबई का फॉर्म होके, तो अभी और अगले 50 साल के लिए प्लान है। तो अभी हम लोग जब रिडेवलपमेंट करते हैं, 6 मीटर का रोड 15 मीटर हो रहा है। बॉम्बे में 6 मीटर का रोड 15 मीटर कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लॉट ही छोटे छोटे हैं। यहाँ के प्लॉट 4000 मीटर 8000 मीटर के प्लॉट से, तो यहाँ पे आराम से हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक कर सकते हैं, ड्रेनेज, स्ट्रॉमेज, स्टॉम वाटर ड्रेनेज का पूरा ध्यान रख सकते हैं, वाटर कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टिविटी का ध्यान रख सकते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, लोकेशन और ये जगह। कभी बोलते ना, सही जगह पे, सही वक्त पे, सही आदमी खड़ा है तो उसको सही चीज़ हो। हाँ, यहाँ पे मेला ही लगा हुआ है, मेरे सारे एग्जीक्यूटिव एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने इतना, इन्होंने जो परफॉर्मेंस देना था एक साल में, वो एक साल का परफॉर्मेंस उन्होंने एक एग्जीबिशन में दे दिया। तो अभी मैं उनको, अभी मैं कल से वो लोग बोल सकता हूँ, जो भाई तुम लोग आराम करो, घर पे बैठो, चाहिए तो। लेकिन दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड दे हैव डन द बेस्ट टू इन दिस एग्जीबिशन। दे हैव ब्रीच्ड ऑल देयर टारगेट्स एंड हमको सबसे सक्सेसफुल एक इवेंट किया है यहाँ पे। एंड अभी भी आप बताओ, आजू बाजू सब देख लो, सब जगह पे क्लोजिंग चालू है, चेक्स लेके बैठे। तो थैंक यू फॉर एवरी ऑल माय स्टाफ ऑल्सो एंड BNM क्रेडाई एंड स्पेशली माय मीडिया टीम। मीडिया इज माय फ्रेंड एंड एवरीवन हैज सपोर्टेड मी ऑल्सो फॉर माय जर्नी। थैंक यू सो मच। कैमरामैन इकबाल शेख सह निशा ढेंगरे, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता।